हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड सेकेंड चैप्टर ऑफ थर्ड क्लास इंग्लिश ग्रामर पार्ट। ओके, नाउन्स के बारे में रीड करेंगे। हमारे सेकेंड चैप्टर का नाम नाउन्स है और वैसे भी नाउन्स के ग्रामेटिकल पार्ट है, तो नाउन जो है उसके बारे में हम रीड करेंगे। देखो, फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू कि नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, मतलब नेमिंग वर्ड का मतलब नेम्स होती हैं जो, ठीक है, चाहे कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, किसी भी चीज़ का, एनिमल का, किसी भी मतलब एनिमल, पर्सन, थिंग और क्या है, पीपल के, लोगों के जो नाम होती हैं उन्हें हम नाउन्स बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में संज्ञा होता है बट इंग्लिश में वी कॉल इट नाउन्स। ठीक है, तो वो नाउन्स होते हैं जिन जिस भी प्रकार की चीज़ों के नेम होते हैं उन्हें हम नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि आपने सेकंड क्लास में शायद नाउन्स के बारे में रीड किया होगा, आई डोंट नो है चैप्टर आपका नहीं है या नहीं सेकंड क्लास में, बट इसमें, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्लेस का और किसी भी एनिमल का जब नाम आता है तो हम उसे नाउन बोलते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट देखो रीड एंड लर्न। अब देखो चाइल्ड, चाइल्ड किसको बोलते हैं, एक बच्चे को बोलते हैं, तो नाम है एक प्रकार का, बच्चे को नाम बच्चा। ठीक है, बच्चा क्या है, एक नाम दिया गया है एक बालक को, ठीक है, जब वो छोटा होता है तो हम चाइल्ड बोलते हैं। तो गर्ल, लड़की को, ठीक है, पार्टिकुलर जो एक लड़की को गर्ल बोलते हैं। मैन, वुमन, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, टीचर, पीपल, तो ये सब भी क्या है, नेम्स ऑफ द पीपल हैं, लोगों के नाम हैं। नेक्स्ट हम नेम्स ऑफ प्लेसेस पढ़ेंगे। प्लेसेस होता है स्थान कोई भी। देखो स्कूल एक स्थान है, ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग होती है जिसे हम क्या स्कूल का नेम देते हैं। ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स बनी होती है जिन्हें हम हॉस्पिटल का नाम देते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनी होती है जिन्हें हम मार्केट बोलते हैं, तो उनका एक नाम है। तो नेमिंग वर्ड्स, जैसे हमने अभी डेफिनेशन रीड की थी, तो जो नेमिंग वर्ड्स होती हैं तो वो क्या नाउन्स कहलाते हैं। अब देखो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों, ठीक है, एक सराउंडिंग वॉल हो, तो उसे पार्क बोलते हैं, तो ये भी क्या प्लेस का नेम है। अब जहाँ पे हम क्या है, जो अपनी रुपीस हैं वो उसे क्या सबमिट करवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो वो बैंक है जहाँ से हम लोन लेते हैं। बीच जो किनारा होता है समुंदर का, ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जहाँ पे आप खेलने जाते हो, सेट गली होती है, तो ये प्लेसेस के नेम है जो अलग अलग हम देती हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सभी स्थानों के अलग अलग नाम हैं, जैसे हमारा हाउस, घर, घर को नाम दे, जहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें हाउस बोलते हैं या होम बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे मतलब कोई भी शॉप है, ठीक है, जहाँ पे हम जो डोमेस्टिक थिंग्स लेती हैं, ठीक है, वो ग्रोसरी शॉप हो जाती है। तो जहाँ पे आप पेंसिल्स, बुक्स वगैरह लेती है, वो स्टेशनरी शॉप हो जाती है। तो इस प्रकार ये नेम दिए गए हैं, तो वो सभी नेम, चाहे वो प्लेस के हैं, चाहे वो लोगों के हैं, या स्थान के हैं, या एनिमल के हैं, या किसी भी वस्तु का नाम है। ठीक है, जैसे टेबल, तो ये भी एक नाम है, इस पर कोई चीज़ है टेबल तो उसका नाम है, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो इसे नाम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो नेम्स ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के नेम जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, फॉक्स, डॉग, क्रो, सॉरी काउ, जिराफ, पांडा, तो ये भी क्या है, एनिमल्स के नेम है। अब थिंग्स के नेम में बुक, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, बैग, टेलीविजन, फैन, कूलर, तो ये क्या है, थिंग्स के नेम है। इस प्रकार हर किसी भी चीज़ का जो भी नेम दिया गया है उन्हें हम नाउन्स बोलते हैं। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के हम प्रकार, कैटेगरी ऑफ नाउन्स के बारे में रीड करेंगे। वैसे तो नाउन्स के काफ़ी प्रकार होते हैं, 5, ठीक है, बट हेयर वी विल रीड ओनली 2 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, बहुत प्रकार की नाउन्स होती हैं, बट वी विल लर्न ओनली 2 ऑफ दैम, उनमें से हम दो ही रीड करेंगे। दे आर कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन, वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन वो होती है जो कॉमन नेम होता है, जैसे स्कूल,
तो जहां पे भी स्कूल जैसी बिल्डिंग होती है, जहां पे भी बच्चे आके पढ़ते हैं, मतलब हर क्षेत्र में, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को स्कूल ही बोला जाता है। ठीक है, जहां पे भी लोगों का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट इलाज होता है, तो उसको हॉस्पिटल ही बोलते हैं। तो इस प्रकार जो कॉमन है थी, ठीक है, जहां पे लोग रहते हैं अपने घरों में, तो उसे घर ही बोलती हैं। तो ये पार्टिकुलर जो कॉमन होते हैं, ठीक है, जो कॉमन होते हैं नाउन, उन्हें कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन मतलब जो एक, मतलब हर स्थान पे जिसे एक जैसा बोला जाता है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन्स होते हैं। और प्रॉपर नाउन वो होते हैं कोई स्पेशल थिंग होती है, ठीक है, जैसे ताजमहल। तो ताजमहल की जब बात आती है तो हमने हमारे माइंड में आता है कि जो ताजमहल है वो एक बहुत बड़ी इमारत है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, एक स्पेशल इमारत है ताजमहल। तो ताजमहल जैसी कोई चीज और नहीं है, और कहीं तो भी नहीं है, या फिर किसी भी ताजमहल की तरह बिल्डिंग बनी उसे हम ताजमहल तो नहीं बोल सकते, मतलब एक ही चीज है वो, ठीक है, मतलब जहाँ पे एक ही कैटेगरी की एक ही चीज है, विशेष थिंग है, जिसे जो क्या है अपनी एक अलग उसकी क्वालिटी है, ठीक है, तो वो क्या है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो क्या है, कॉमन है सभी में, वो सारे मतलब वो जो कॉमन कॉमन होती है, मतलब ऐसे बिल्डिंग्स को बहुत सारा नेम सेम होता है, ठीक है, तो सेम चीज को कॉमन नाउन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे आप देखो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नाम का व्यक्ति एक ही है, हम जानते हैं कि वो हमारा फ्रीडम फाइटर है, वो एक अपनी स्पेशल क्वालिटी लिए हुए है। तो इस प्रकार के जो नाउन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम जरूर है, ठीक है, बट वो स्पेशल है क्योंकि हम उसे याद करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसका नेम एक ही होता है, सभी का वैसा नेम नहीं होता, सभी के अलग अलग नेम होते हैं, तो वो क्या है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इस प्रकार प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस होता है, आई थिंक आप समझ गए। कॉमन नाउन, नाउन्स दैट टेल अस द नेम्स ऑफ जनरल पीपल, जो नाउन्स हमें जनरल पीपल, जनरल लोगों के बारे में बताती है, जनरल प्लेस के बारे में बताती है। एनिमल्स और थिंग्स आर नाउन एज कॉमन नाउन, कोई भी जनरल मतलब जो साधारण एनिमल है, ठीक है, कुछ स्पेशलिटी नहीं लिए हुए है, साधारण प्लेस है, साधारण पीपल हैं, तो उन्हें कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है, बट स्पेशल थिंग्स जो है डेफिनेशन रीड कर लेंगे हम पहले प्रॉपर नाउन की। नाउन्स दैट टेल अस द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर मतलब विशेष पर्सन है, जो कुछ अलग से अपनी विशेषता लिए हुए हैं, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हो गया, प्लेस ताजमहल हो गया, एनिमल्स जैसे टाइगर हो गया, थिंग्स थिंग्स अगर कोई स्पेशल मतलब वो उसमें विशेषता है उसकी अलग, जहाँ वो अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है वर्ड में, तो इस प्रकार की जो नाउन होते हैं उन्हें प्रॉपर नाउन बोला जाता है। फर्स्ट देखो जो द बॉयज सीढ़ी, तो जो बॉय है यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़के को बॉय बोला जाता है, किसी भी लड़के को बॉय बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, बट लड़के को जो मेल जो है उसे लड़का बोलते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स की ये क्या है कॉमन नाउन है। अब द गर्ल इज सिंगिंग, तो गर्ल भी क्या है लड़की का नाम है, नेमिंग वर्ड जैसे कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ गर्ल बोला गया है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, इसमें ये प्रॉपर नाउन ना होके कॉमन नाउन ही है। रिवर, ठीक है, किसी स्पेशल, अगर यहाँ पे गंगा रिवर का नेम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि गंगा को मेंशन किया गया है, गंगा एक रिवर है, गंगा जैसे बहुत सारे रिवर्स नहीं है, गंगा एक ही रिवर है, ठीक है, तो बट यहाँ पे अकेला रिवर दिया हुआ है, रिवर्स बहुत हैं जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। द फ्रॉग इज जंपिंग, फ्रॉग भी कॉमन नाउन है, एनिमल का नेम है। द बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड क्या कॉमन नाउन है। अच्छा।
बस इज मूविंग, तो बस भी क्या है? कॉमन।